दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल MS फार्मिंग में। दोस्तों आज हम बात करेंगे गोभी की A to Z जानकारी के बारे में, गोभी की खेती कैसे करें, कब करें, नर्सरी कैसे तैयार करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। फूल गोभी की खेती सितंबर से अक्टूबर के मध्य में की जाती है। सितंबर से पहले सप्ताह में खेत की 2 बार अच्छी जुताई कर लें। खेत में गोबर की खाद अच्छी तरीके से बिखेर दें। बिखेरने के बाद मिट्टी में मिला दें। 2-3 बार देसी हल या कल्टीवेटर की सहायता से खेत को भुरभुरा बना लें। इसके बाद खेत में पाटा लगा दें। इसके बाद आपको 50 सेंटीमीटर की दूरी पर थाला बना लेने हैं। खेत में पानी की निकासी के लिए समुचित व्यवस्था जरूर करें। फूल गोभी की बीजों की बुआई और नर्सरी कैसे तैयार करें। फूल गोभी की फसल लेने के लिए हम 2 तरीके से बुआई करते हैं। एक तो बीजों की सीधी बुआई करते हैं और दूसरे नर्सरी पौधे तैयार करते हैं। उसे आप नर्सरी तैयार करके ही बीजों की रोपाई करें। नर्सरी तैयार करने के लिए आपको 450 से 500 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। बीज की बुआई पहले 2 से 3 ग्राम कैपिटल या ब्रैसिकाल प्रति किलोग्राम बीज दर से शोधित कर लेना चाहिए। इसके साथ ही आपको 160 से 175 मिलीलीटर या 2.5 लीटर पानी में मिलाकर वर्ग मीटर के हिसाब से नर्सरी की भूमि को शोधन करना चाहिए। फूल गोभी की रोपाई कब करें दोस्तों? जलवायु के अनुसार फूल गोभी की खेती करें। फूल गोभी की अगेती खेती के लिए आप जुलाई अगस्त तक बुआई कर सकते हैं। मध्य और पछेती गोभी के लिए आप अक्टूबर नवंबर तक बुआई कर सकते हैं। पौधे की रोपाई के लिए आपको 45 से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। पंक्ति से पंक्ति दूरी आप 45 से 50 सेंटीमीटर रखें। पौधे की रोपाई सायंकाल के समय ही करें, जिससे कि हमारे पौधे में नुकसान नहीं होगा। धूप वगैरह लगने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। पौधे रोपाई करने के बाद आप हल्की सी सिंचाई कर दें। पौधे रोपण के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए। इसके पश्चात आवश्यकता अनुसार 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। फूल गोभी की अगेती फसल की अपेक्षा पछेती फसल में खाद और उर्वरक की अधिक आवश्यकता पड़ती है। पौधों की बढ़वार के समय आप यूरिया का प्रयोग करें। फूल गोभी की जैविक खेती के लिए आप जैविक खाद का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन खेत तैयारी के समय आपको गोबर खाद या कंपोस्ट खाद जरूर डालें। दोस्तों बात करते हैं फूल गोभी की खेती में खरपतवार नियंत्रण। किसी भी बीमारी और कीट प्रबंधन के लिए आप कृषि विशेषज्ञ की राय जरूर लें। खरपतवार नियंत्रण के लिए आपको 2 से 3 निकाई गुड़ाई करानी है। पौधे की रोपाई के पहले आपको वैसालीन 48 EC 1.5 किलोग्राम की मात्रा से प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करना है। फूल गोभी की कटाई उसी समय करनी ही चाहिए जब आप फूल का उचित आकार की ठोस दिखाई देने लगे। फूल गोभी को अब नीचे से काटना चाहिए, जिससे परिवहन के समय फूल की सुरक्षा हो सके। काटते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि फूल में खरोच या रगड़ ना लगने पाए। काटने के पश्चात शीघ्र ही विक्रय का प्रबंधन करना चाहिए। फूलों की कटाई हमेशा सुबह या शाम के समय करनी चाहिए। दोपहर में आपको फूलों की कटाई नहीं करनी है। उन्नत तकनीक से फूल गोभी की खेती करने पर आपको प्रति हेक्टेयर 250 से 300 क्विंटल तक पैदावार मिल जाती है। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।